ब्रिटेन में 6 मई को किंग चार्ल्स की ताजपोशी के समारोह में उनके बेटे और ड्यूक ऑफ ससेक्स प्रिंस हैरी शामिल होंगे। हालांकि प्रिंस के साथ उनकी पत्नी और डचेस ऑफ ससेक्स मेगन मार्कल शामिल नहीं होंगी। बकिंगम पैलेस ने बताया कि प्रिंस पत्नी और बच्चों के बिना अकेले ही समारोह में शिरकत करेंगे। द मिरर के मुताबिक उन्हें सेरेमनी में रॉयल बालकनी में खड़े होने के लिए नहीं चुना गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पूर्व वकील माइकल कोहेन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। ट्रंप ने वकील से 50 करोड़ डॉलर के मुआवजे की मांग की है और ट्रंप ने यह मुकदमा फ्लोरिडा के यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दर्ज किया है। ट्रंप का आरोप है कि कोहेन ने अटॉर्नी और क्लाइंट के बीच के गुप्त समझौते का उल्लंघन किया है। यही नहीं, माइकल ने बीते दिनों ये भी कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के गंदे कामों को छिपाना ही उनका काम था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने हाल ही में ताइवान पर दिए अपने बयान का बचाव किया है। उन्होंने पिछले दिनों चीन दौरे के खत्म होने के बाद फ्रांस को अमेरिका और चीन के बीच होने वाले टकराव में फंसने से बचने की सलाह दी थी। मैक्रों के इस बयान को लेकर उनकी काफी आलोचना हुई है, लेकिन मैक्रों अपनी बात पर कायम है। उन्होंने कहा कि अमेरिका का साथी होने का मतलब जागीरदार होना नहीं है।